Hello guys, welcome back to Spicy Reaction. How are you all? We hope you all are good and doing well. So buddies, first of all, congratulations to whole India for a great victory against Afghanistan, especially Rohit Sharma, the hitman. What a innings from him. Yaar, maza aa gaya dekhkar. Usne kitna मजा तो आया है, लेकिन भाई हम शॉर्ट भी हो गए हैं क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट है और उसका फॉर्म में आना और मतलब एक खतरे की घंटी बजा दी है भाई। हाँ, और आज जो मैच अभी चल रहा है वो चल रहा है जी, बढ़िया मैच साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के सॉरी ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और भाई साउथ अफ्रीका अभी तक हैवी है, बहुत हैवी है। और मैच हो कहाँ पर रहा है? यू नो, लखनऊ। और हम देखने कौन सा सिटी लगे हैं? लखनऊ, नवाबों का शहर, द सिटी ऑफ नवाब्स, लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब। चले देखते हैं जी आज एक और इंडिया का ब्यूटीफुल सिटी जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। और वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन अमेजिंग क्लिप्स वीडियो जो कि बहुत बढ़िया, उनका वीडियो शॉर्ट होता है 3-4 मिनट का लेकिन इन्फॉर्मेटिव होता है। तो चले वंस अगेन हम देखते हैं जी इनका वीडियो लखनऊ सिटी के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश के सबसे मशहूर शहरों में शामिल लखनऊ आखिर नवाबों का शहर क्यों कहलाता है? गोमती के तट पर बसा ये शहर किन ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर प्रसिद्ध है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? अगर नहीं तो हमारे आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, लखनऊ का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है क्योंकि इसके निर्माण में अवध के कई नवाबों का हाथ रहा है। कभी अवध के नाम से प्रसिद्ध ये इलाका कई शासकों की राजधानी भी रही है। कहा जाता है कि इस शहर के स्वरूप की स्थापना नवाब आसिफ-उद-दौला ने की थी और 1850 में लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के बाद अवध पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन शुरू हो गया था। ये शहर अपनी खास नजाकत और तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ का रहन सहन, खान पान, भाषा, इमारतें, पहनावे आदि में राजसी जीवन की झलक दिखाई देती है। वैसे वर्तमान में लखनऊ को देखें, देश के सबसे बड़े सूबे और उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के नाते ये कुल 2,528 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी आबादी 39,45,000 है। वहीं यहाँ की प्रचलित भाषा हिंदी, अवधी और उर्दू है और शहर में ज्यादातर गाड़ियाँ UP-32 के नंबर प्लेट के साथ दौड़ती हैं जो यहाँ का व्हीकल रजिस्ट्रेशन कोड है। इस शहर की अर्थव्यवस्था को उद्योग के 3 प्रमुख आयामों, मध्यम और लघु उद्योग, पारंपरिक व्यापार और विनिर्माण उद्योग में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ के दशहरी आम के बाग और चिकन की कढ़ाई का काम देश ही नहीं विदेश में भी बेहद प्रसिद्ध है। राज्य की राजधानी होने के नाते अधिकांश सरकारी कार्यालय और विभाग इसी शहर में हैं, जो कई लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। जीडीपी के लिहाज से 61,193.63 करोड़ रुपए के साथ लखनऊ भारत के प्रमुख शहरों में से एक है। यहाँ के पर्यटन स्थल भी काफी फेमस हैं और आप यहाँ हवाई, रेल या सड़क किसी भी मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में रूमी दरवाजा, अंबेडकर पार्क, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, हजरतगंज, लखनऊ चिड़ियाघर, लखनऊ संग्रहालय, छतर मंजिल और जंतर मंतर शामिल है। वही दोस्तों, लखनऊ का जायका खाने का शौक रखने वालों के लिए जन्नत से कम नहीं है। टुंडे कबाब से लेकर पाया की नहरी, विभिन्न तरह की बिरयानियां, कबाब, कोरमा और यहाँ के पान का स्वाद आपको लखनऊ को भूलने नहीं देगा। लखनऊ की सबसे रोचक बात यह है कि ये नवाबों का शहर सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि दुनिया भर में इसके लगभग 9 हमनाम हैं। कहा जाता है कि यह शहर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी स्थित है। वहीं ये शहर दुनिया के सभी महाद्वीपों के आधे से अधिक हिस्से को कवर करते हैं। तो जब भी आपको दुनिया में कोई लखनऊ शहर का नाम आए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं। जी भैया, मेरे शहर का बना दें एक वीडियो अपने चैनल पर। बाकी बढ़िया। और लखनऊ जैसे कि हमने पहले बात की है कि बहुत ही बढ़िया सिटी है, सिटी ऑफ नवाब की बात की है, नवाब सिराजुद्दौला नहीं, ये नवाबों का शहर जो है वैसे माना जाता है। जैसे कि हमारी जो स्टेट है बहावलपुर स्टेट, ये भी नवाबों की मतलब स्टेट थी। ये पार्टीशन के बाद जो है ये एक्चुअली ये स्टेट थी, रियासत थी बहावलपुर, बाद में पाकिस्तान के साथ इसने इलहाक कर लिया और नवाबों ने फिर इसको पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया। ये अलग स्टेट थी बहावलपुर स्टेट जो है।
तो इसको भी नवाबों, आप जैसे ही इंटर होते हैं ना बहावलपुर में, मतलब जी बहावलपुर के जोन में आप इंटर होंगे, तो वेलकम टू नवाब, नवाब मतलब लिखा हुआ है यार जी, के मैं गई थी वहां लिखा हुआ है नवाबों की धरती पर नवाबों वेलकम। की तो धरती। सेम एज इट इज, ये जो लखनऊ सिटी है ये भी ये भी नवाबों का नवाबों की सी, मतलब नवाबों भारत में जो है समझा जाता है, माना जाता है इसको। की ये बाकी जबरदस्त बहुत खूबसूरत और और दशहरी आम तो इन्फॉर्मेटिव, मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। मैंगो दशहरी के हाँ वाले से, दशहरी वैसे बहुत मीठा होता है, सब बहुत मीठा मीठा होता लंबा होता है और है। जरा पतला पतला होता है, वो लंबा हाँ, लंबा और आम होता है, मतलब बहुत चूस कर जैसे चूस के कहते हैं खाने ना वाला आम आम, होता है काट के लेकिन। नहीं खाने हाँ वाला ये होता है, खा, इसको हाँ इसे काट के खाने इसको का मजा दबा ही कर, आता वो है। दबा हाँ कर नरम करके ना फिर इसको चूस कर जो है दशहरी वो हमेशा ना खाते हैं, बहुत बढ़िया आम चूस के होता है। खाया जी जाता है, इसे काट के खाने का मजा बाकी ही ये है आता है। कि कैसा लगा आपको गाइस वीडियो, और लखनऊ से हमें कौन कौन देख रहा है? मेरे ख्याल में सारे आज मैच ही देख रहे हैं, या हमें भी कोई देख रहा है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी काफ़ी खूबसूरत हाँ है, लखनऊ और का अभी बहुत हम देख रहे हैं एक और जबरदस्त चौका आया है जी, 154 पर एक आउट है जी इस टाइम। राइट नोस 27.2 ओवर्स हो चुके हैं, और इस टाइम साउथ अफ्रीका के ऊपर अरूज है भाई। कभी ऑस्ट्रेलिया पर हाँ अरूज हुआ करता जी था, बिल्कुल एक टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया भी क्रिकेट टीम पर बहुत रूज रहा है, रिकी पॉन्टिंग का दौर, रिकी पॉन्टिंग कैप्टन रहे हैं, तो उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई टीम थी नहीं लोग जो, डरते थे हाँ हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया से, टीम अक्सर डरती थी। लेकिन इस टाइम हाँ ऑस्ट्रेलिया का कुछ वीक नजर आ रहा है, हाँ लेकिन जी साउथ बिल्कुल अफ्रीका आज बहुत हावी चल रहा है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा गाइस। तो अगर आप किसी और सिटी से हमें देख रहे हैं और अपना सिटी दिखाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल तो अभी दें इजाजत।